नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सेवा और सत्कर्ता विभाग आवंटित करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक फाइल भेजी। दोनों विभाग पहले सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग का प्रभार सौंप दिया। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दो विभाग संभाल रहे थे, जो अब दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बदलाव का प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दिया है। इस बदलाव के बाद मंत्री आतिशी मंडलिना और ज्यादा ताकतवर हो गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्रालय में बदलाव की मंजूरी वाली फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दी है। आतिशी के पास इन दो विभागों के अलावा वित्त, बिजली, शिक्षा, महिला और PWD विभाग, आर्ट और कल्चर, भाषा और टूरिज्म की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि दिल्ली सर्विस बिल कल ही राज्यसभा में पास हुआ है। इस बिल के पास हो जाने के बाद दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के तबादले का अधिकार छीन गया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने और उनके इस्तीफा के बाद दिल्ली सरकार में बदलाव किए गए थे। आतिशी दिल्ली के कालकाजी से आपकी विधायक है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पारित होने के बाद दिल्ली सरकार के अधिकार और कम हो गए हैं। LG यानी उपराज्यपाल की पावर बढ़ जाएगी। इसके तहत किसी अहम मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार LG के पास रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24। ये है Genesis Media Network और आप देख रहे हैं GBN24 News।